क्या आप सार्वजनिक स्थानों पर चार्ज करते हैं मोबाइल? भूल कर भी ना करें ये गलती। खाली हो सकता है आपका बैंक खाता। SBI भी दे चुका है चेतावनी। आज के इस डिजिटल दौर में मोबाइल फोन हमारी जरूरत बन गया है। अब हालत कुछ ऐसी है कि लोगों के लिए फोन के बिना कुछ घंटे भी बिताना मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि फोन का चार्ज खत्म होने पर हर कोई जल्द से जल्द फोन चार्ज करने की कोशिश में जुट जाता है। कई बार तो एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, ट्रेन या होटल जैसे सार्वजनिक स्थानों पर भी फोन चार्ज करने की जरूरत पड़ जाती है। आपने भी कभी न कभी सार्वजनिक चार्जिंग पॉइंट पर फोन चार्ज किया होगा। यदि हाँ, तो अगली बार ऐसा करने से पहले दो बार जरूर सोचें, क्योंकि हो सकता है कि उस चार्जिंग पॉइंट पर हैकर्स आपका इंतजार कर रहे हों, ताकि फोन चार्ज करने के कुछ मिनटों के बाद ही आपके फोन का सारा डेटा हैक कर लिया जाए। यहाँ तक कि आपके बैंक अकाउंट का भी सफाया हो सकता है। ये कहना देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। दरअसल हाल ही में SBI ने लगातार बढ़ रही धोखाधड़ी से बचने के लिए आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक चेतावनी जारी की है। इसमें जूस जैकिंग से संबंधित जानकारी और इससे बचने के उपायों के बारे में भी बताया गया है। ट्वीट में SBI ने कहा, किसी भी चार्जिंग स्टेशन सार्वजनिक पर अपना फोन चार्ज लगाने से पहले दो बार सोचें। मालवेयर किसी भी तरीके से आपके फोन को इन्फेक्ट कर सकता है। इससे हैकर्स को आपका पासवर्ड और डेटा चुराने का मौका मिल जाता है। क्या है जूस जैकिंग? आमतौर पर लगभग हर फोन में चार्जिंग पोर्ट भी डेटा कनेक्शन और USB के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। जूस जैकिंग एक तरह का साइबर अटैक है जो इसी आधार पर काम करता है। दरअसल सार्वजनिक चार्जिंग पोर्ट में खुफिया तौर पर इलेक्ट्रिक डिवाइस लगा दिया जाता है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति उस पोर्ट में अपना फोन चार्जिंग पर लगाता है, तो इस डिवाइस की मदद से यूजर के फोन में मालवेयर इंस्टॉल कर दिया जाता है। मालवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसका इस्तेमाल डेटा चोरी करने के लिए किया जाता है। एक बार मालवेयर इंस्टॉल हो जाए तो यूजर का डेटा चुराना बेहद आसान हो जाता है। इस डेटा में आपके बैंक खाते से जुड़ी जानकारी भी हो सकती है। SBI ने ग्राहकों को चेतावनी के साथ जूस जैकिंग से बचने के लिए कुछ टिप्स भी दिए हैं, जिससे अपने मोबाइल फोन को सुरक्षित रखा जा सकता है। जूस जैकिंग से कैसे बचें? चार्जिंग स्टेशन के पीछे चेक कर लें कि कोई इलेक्ट्रिक सॉकेट तो नहीं लगा है। फोन का चार्जिंग केबल अपने साथ जरूर रखें। हमेशा डायरेक्ट इलेक्ट्रिक आउटलेट से ही फोन चार्ज करें। संभव है तो अपने साथ पोर्टेबल बैटरी चार्जर का इस्तेमाल करें। आप इन सभी तरीकों का इस्तेमाल कर खुद को जूस जैकिंग जैसे साइबर अटैक से बचा सकते हैं। आज के डिजिटल जमाने में ऐसी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण चीजों को लेकर सतर्क रहना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।